नेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेल्स टैक्स, या इसका दूसरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स और शॉर्ट फॉर्म में VAT वैट। अच्छा सेल्स टैक्स नाम तो आप लोगों ने सुना ही है, पता भी है, थोड़ा आइडिया तो है क्या होता है, कुछ बताएंगे? टैक्स होता है, अच्छा टैक्स होता है कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, कौन पे करता है, पे कौन करता है, कस्टमर। हुनर कहाँ से आ गए, कस्टमर, कस्टमर खरीदेगा तो पे करता है ना, तो पे कौन करता है, कस्टमर, कंज्यूमर पे करेगा, लगाता कौन है टैक्स, गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। अच्छा अब जो क्या देते ही काम, हाँ टैक्स देते इसलिए ताकि गवर्नमेंट उसी से चलती है, टैक्स के पैसे से तो चल रही है, हमारे पास होता है जितने भी ऐसी है सारी हमारे पास। ठीक हाँ तो राइट, तो सेल्स टैक्स टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट लगाती है और कंज्यूमर कस्टमर पब्लिक पे कर रही होती है। अच्छा हम किसे पे करते हैं, कंज्यूमर सेल्स टैक्स किसको पे करता है, गवर्नमेंट शॉपकीपर को देता है, गवर्नमेंट को थोड़ी, या दुकान से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसमें लिखा होता है ना रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स इंक्लूडेड होता है ना, जीएसटी लिखा होता है ना, रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी सेल्स टैक्स, प्राइस में इंक्लूड होता है, तो हम किसे पे करते हैं, दुकानदार को, हम दुकानदार को देते हैं ना, कंज्यूमर कस्टमर ऐसा हम देते हैं दुकानदार को, ठीक है। अच्छा तो दुकानदार क्या करता है उस टैक्स के पैसों का, फिर वो जाके गवर्नमेंट को देता है, जो दुकानदार है बिजनेसमैन है वो जाके फिर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाता है, ट्रांसफर करता है, सही। अच्छा तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, गवर्नमेंट के लिए हो गई इनकम, गवर्नमेंट की इनकम हो गई, और जो कंज्यूमर है उसके लिए एक्सपेंस हुआ, हम पे कर रहे हैं हमारा एक्सपेंस हो गया, तो जो बिजनेसमैन है, जो बीच में बिजनेसमैन है, दुकानदार हो गया, होलसेलर है, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, इनके लिए टैक्स क्या होगा, सेल्स टैक्स क्या होगा, एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी एसेट क्या होगा, तो टिक टिक नहीं कर रहे हैं, लाइक बिजनेसमैन के लिए क्या होगा, जो भी बिजनेसमैन है, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस हमारे लिए होगा ना, लायबिलिटी होगी ना, लायबिलिटी होती है बिजनेसमैन के लिए, क्या है लायबिलिटी, कि कंज्यूमर से कस्टमर से जो टैक्स रिसीव किया वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, गवर्नमेंट को देना है, पे करना है ना, ठीक है, जिम्मेदारी है उसकी। तो एक तरह से आप ये कह लेंगे जो दुकानदार है बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट के एजेंट हो गए, वो एक तरह से गवर्नमेंट के एजेंट है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कंज्यूमर से टैक्स रिसीव करके गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, उनका काम एक एजेंट का हो गया ना, तो गवर्नमेंट की इनकम हो गई, कंज्यूमर के एक्सपेंस हो गए, और बिजनेसमैन के लिए हो गई लायबिलिटी कि कंज्यूमर से जो टैक्स कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कोई डेफिनेशन बनती है कुछ इस तरह से कि सेल्स टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स डिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सप्लाई। अच्छा एक मिनट कॉपी बाद में कर लीजिएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है सेल्स टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट टैक्स भी होते होंगे, ठीक है, तो अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, आइए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी कि पब्लिक डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती है, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकती है, आपका इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हम खुद देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हम खुद जमा करवाते हैं, आपका मोटर व्हीकल टैक्स गाड़ी का टैक्स होता है वो खुद जाके एक्साइज ऑफिस में जमा करवाते, ये तो हो गया आपके डायरेक्ट टैक्स,
सेल्स टैक्स क्या, सेल्स टैक्स हम देते हैं दुकानदार को, रिटेलर, होलसेलर को, वो जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाता है, ट्रांसफर करता है, पे करता है, तो इसलिए ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा यहाँ पे टर्म और जो लिवाइड क्या मीनिंग क्या होते हैं, लिवाइड लिखा है, लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लिवाइड के मीन्स एक पेस्ट करेंगे, एक नहीं पेस्ट लिखा है, पेस्ट बेस करें मतलब, पेस्ट नहीं। लिवाइड क्या मीनिंग होता है, टैक्स चार्ज करने के लिए टर्म यूज होती है लिवाइड, टैक्स चार्ज मतलब, इसको आप कह सकते हैं चार्ज ऑन, लिख सकते हैं इसका चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि जो सप्लायर है वो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते वक्त चार्ज करता है ना, आप कोई चीज खरीदेंगे तो आप उस पर टैक्स भी दे रहे होते हैं ना, तो टैक्स चार्ज होता है वही। लिवाइड की जगह आप चार्ज का वर्ड देख सकते हैं, चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टैक्स चार्ज करने के लिए टर्म यूज होती है लिवाइड, टैक्स चार्ज का। जैसे आपके इलेक्ट्रिक से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें भी सेल्स टैक्स इंक्लूड होता है ना, तो वो कौन चार्ज कर रहा है, के इलेक्ट्रिक चार्ज कर रही है, के इलेक्ट्रिक लेवाई कर रही है सर्विस दे, वो हमसे टैक्स ले रही है। जैसे और टीवी लाइसेंस टैक्स भी होता है सारे, तो टैक्स चार्ज करने के लिए बड़ी यूज करते हैं हम लेवाई। अच्छा तो जो भी सप्लायर है वो गुड्स या सर्विस सप्लाई करते वक्त कस्टमर से सेल्स टैक्स चार्ज करता है। अच्छा अब ये जो टॉपिक है, देखिए गवर्नमेंट की हो गई इनकम, कंज्यूमर के लिए हो गया एक्सपेंस, बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। अच्छा अब ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू, ये कैसा वो टैक्स चार्ज करता है, कितना पे करता है, ये सारी चीज है, तो ये ध्यान में रखिएगा, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स टैक्स की दो टाइप्स होती है, नहीं वो तो टैक्स की टाइप है, अभी हम बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स की, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की टाइप है, टैक्स दो तरह के होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स, तो ठीक है, तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स टैक्स की दो टाइप, एक कहलाएगा आउटपुट टैक्स और दूसरा इनपुट टैक्स कहलाता है, एक टाइप हो गई आउटपुट टैक्स और दूसरी इनपुट। डिफरेंस क्या दोनों में, आउटपुट क्या होता है, चार्ज या कलेक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, कि जब भी सप्लायर गुड्स या सर्विस सोल्ड करेगा तो उसमें वो टैक्स चार्ज करेगा, तो वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स। एक दुकानदार या बिजनेस मैन है, कोई भी बिजनेस मैन है, रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, जब वो कस्टमर को गुड सेल करेगा तो उस पर टैक्स लगाएगा ना, टैक्स के साथ पैसे लेगा, वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स, कि सेल करते वक्त आप जो टैक्स चार्ज करेंगे वो आपके लिए क्या है, आउटपुट, और ये आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटी पेबल टू गवर्नमेंट, कि जो भी टैक्स आप चार्ज करेंगे अपने कंज्यूमर से, कस्टमर से, वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है। तो ये आउटपुट टैक्स की नेचर हो गई। अच्छा देखिए आप एक बिजनेस मैन है, जैसे हम वर्ष करें एक रिटेलर है, एक होलसेलर है, एक होलसेलर है हम, तो जब हम गुड्स कैसे बाय करेंगे, हम एक होलसेलर है, हम कंपनी से बाय करेंगे ना। अच्छा जब कंपनी से बाय करेंगे तो कंपनी हमें सप्लाई कर रही होगी, कंपनी टैक्स चार्ज करेगी, तो इसका मतलब परचेज के टाइम पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, और जब हम एज अ होलसेलर रिटेलर को गुड सप्लाई करेंगे तो उस पर टैक्स लगाएंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जब हम सेल करेंगे तो टैक्स चार्ज करेंगे, वो हो जाएगा आउटपुट, जब मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे होंगे, खरीदते वक्त जो पे करेंगे वो कहलाएगा इनपुट टैक्स, ठीक है। एज अ होलसेलर बात कर रहे हैं, हम कौन है, होलसेलर है, ठीक है। अब हमने गुड्स पहले खरीदेंगे ना, किससे खरीदेंगे, कंपनी से खरीदेंगे, अब कंपनी हमें सेल कर रही है, वो टैक्स चार्ज करेगी कंपनी, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, हम कंपनी को देंगे, पहले हमने कंपनी को गुड्स टैक्स के साथ पेमेंट करके गुड्स खरीद के लाए, तो वो हमारे लिए कहलाएगा, जो कब पे करेंगे आप गुड्स बाय करते हुए परचेज करते। इसके बाद यही गुड्स हमने आगे सेल किसको करेंगे, आप रिटेलर को देंगे, तो अब रिटेलर को जब हम सप्लाई करेंगे गुड्स तो टैक्स हम चार्ज करेंगे, हम उससे टैक्स लेंगे, तो वो कहलाएगा आउट। अच्छा और ये जो इनपुट टैक्स होगा जो हम पे करेंगे,
अच्छा, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं परचेज करते हुए, तो ये हमें वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना वापस? अगर वापस नहीं मिलेगा तो वो तो एक्सपेंस बन जाएगा। तो जो इनपुट टैक्स होता है, जो हम परचेज के टाइम पर पे करते हैं, वो रिकवरेबल, वो हमें रिकवर हो जाता है, वो हमें बेयर नहीं करना पड़ता। और रिकवर कैसे होता है उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिए रिकवरेबल होगा, जो आउटपुट टैक्स है वो पेबल होगा। तो जितना भी टैक्स हम चार्ज करेंगे वो हमें गवर्नमेंट को देना है, और जो हम पे करेंगे परचेज के टाइम पर वो हमारे लिए रिकवरेबल होगा, हमें रिकवर हो जाएगा, वापस मिलेगा। ठीक है, कैसे होता है उस पर बात करते हैं। नहीं, लाइबिलिटी है। हाँ, पे करना है ना, लाइबिलिटी है, क्यों हो गया? ओके, हम ये बात करते हैं जरा, हाउ सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड। ठीक है, कौन कितना पे करता है, कौन रिसीव करता है, कौन कितना पे करेगा, सबको समझा। देखिए, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम करेंगे रॉ मटेरियल सप्लायर से चलते हैं। पहले रॉ मटेरियल सप्लाई होगा, फिर गुड्स मैन्युफैक्चर होंगी, फिर वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, फिर रिटेलर के पास, और आखिर में कंज्यूमर के पास। यही सीक्वेंस होता है पूरा। ठीक है, कंप्लीट मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल्स टैक्स का जो रेट है वो हर कंट्री का डिफरेंट होता है, और एक कंट्री में भी प्रोडक्ट वाइज रेट डिफरेंट होते हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक में हम जो फिलहाल यहाँ मैंने रेट रखा है यूज कर रहे हैं वो 10-15% हम यूज करेंगे। ठीक है, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में रेट मेंशन होगा, कभी 10% होता है, कभी 15, कभी 20, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिलहाल यहाँ पर हम रेट यूज करेंगे 15%। 15% पे कैलकुलेशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर। जब ये रॉ मटेरियल सप्लायर है, इसने रॉ मटेरियल सप्लाई किया कितने का, 40 का। तो ये है प्राइस नेट ऑफ सेल्स टैक्स, नेट मतलब बिफोर टैक्स। अच्छा, इस पे सेल्स टैक्स चार्ज करेंगे कितना, 15%। 40 का 15% बना 6, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 46। अब ये जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, ये 46 में ये रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा होलसेलर को। ठीक, अच्छा, होलसेलर गुड्स आ गई, हाँ, मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ मैन्युफैक्चरर को, जो मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल आ गया, 40 का रॉ मटेरियल था, टैक्स कितना पे किया उसने, 6, टोटल 40। अच्छा, एक चीज और है, जो टैक्स है वो अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, टैक्स का रिकॉर्ड अलग मेंटेन होता है, और जो सेल परचेज है वो हम नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, सेल परचेज हमेशा नेट अमाउंट से रिकॉर्ड होंगी, सेल्स टैक्स अलग रिकॉर्ड होता है, टोटल अलग। अच्छा, अब इसमें 40 की गुड्स रॉ मटेरियल था, टैक्स पे किया 6 का, टोटल अमाउंट 46। ओके, अब जो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर है, अब उसने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए, एक टीवी बनाया उसने, ठीक है, टेलीविजन। प्राइस कितनी रखी है उसने, 200। अभी 200 में टीवी अपना सेल करेगा होलसेलर को। अच्छा, अभी 200 में सेल करते वक्त टैक्स चार्ज करेगा, तो 200 का 15%, 30, और टोटल हो गया 230। अब ये 230 में टेलीविजन जो है वो होलसेलर को भेज देगा, सेंड कर देगा, सप्लाई कर देगा। ठीक है, अच्छा, जब टीवी कहां पर आ गया, होलसेलर के पास आ गया। ठीक है, 200 का टीवी था, 30 का उसने टैक्स पे किया, टोटल अमाउंट 230। अब ये होलसेलर क्या करेगा, 200 पे अपना प्रॉफिट ऐड करेगा ना, पहले तो पहले अपना प्रॉफिट ऐड किया इसने कितना, 120 का, और सेलिंग प्राइस रखी 320। अभी 320 में टीवी सेल करेगा रिटेलर को, और लेकिन उससे पहले उस पर टैक्स चार्ज करेगा कितना, 15%, जो बनेगा 48, टोटल अमाउंट हो गया 368। अभी 368 में टीवी सेल कर देगा रिटेलर को। अच्छा, जब टीवी पहुंच गया किसके पास, रिटेलर के पास आया, रिटेलर ने कितने में खरीदा, 320 में, टैक्स पे किया 48, टोटल पेमेंट 368। ओके, अब रिटेलर क्या करेगा, 320 में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, इसमें प्रॉफिट ऐड किया कितना, 160 का, सेलिंग प्राइस हो गई 480। अच्छा, अभी 480 में कस्टमर को प्रोडक्ट टीवी सेल करेगा, लेकिन उससे पहले टैक्स चार्ज होगा कितना, 15%, जो बनेगा 72, टोटल अमाउंट हो गया 552। अब ये रिटेलर 552 में टीवी सेल कर देगा कंज्यूमर, और बेचारा कंज्यूमर 552 पे करके टीवी अपने घर ले जाए। तो 200 का टीवी 500, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, और होता है ऐसे ही, ये भी बता रहा हूँ।
प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, प्राइस बहुत कम होते हैं, पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कंज्यूम होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 15% दे दिया ना, गवर्नमेंट अमाउंट भी बताती, परसेंटेज दे 15% बस। अच्छा ये तो बात हो गई कि कौन कितना टैक्स चार्ज कर रहा है, ठीक है, किस तरह चार्ज होगा। अब गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंचेगा और कितना पहुंचेगा, पहले तो ये बताएं कि गवर्नमेंट के पास पहुंचना कितना चाहिए। गवर्नमेंट के पास टैक्स का क्या अमाउंट पहुंचना चाहिए? 72, 72 सबका प्लस नहीं, 72 जाएगा। देखिए अभी हमने बात की टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है और कंज्यूमर के लिए एक्सपेंस। कंज्यूमर ने टैक्स कितना पे किया? कंज्यूमर पे कर रहा है 72, सिर्फ 72। बाकी ये जो प्राइस बढ़े आपके, प्राइस बढ़े प्रॉफिट की वजह से, ये जो देखें प्राइस बढ़ते जा रही है किस वजह से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो 40 से आपके प्राइस कहां पहुंच गए 480, इसमें सिर्फ प्रॉफिट ऐड हुआ है, टैक्स नहीं है, टैक्स वाला से रिकॉर्ड हो रहा है। अब कंज्यूमर ने टैक्स कितना पे किया? 72। तो कंज्यूमर के एक्सपेंस कितना हुआ? 72। गवर्नमेंट की इनकम कितनी होगी? 72। तो जितना टैक्स कंज्यूमर पे करेगा उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को रिसीव होगा। अब ये कैसे होगा आप ये समझा। अब हम इसमें रिवर्स में चलते हैं, रिटेलर से स्टार्ट करते हैं। रिटेलर ने सेल करते वक्त टैक्स चार्ज कितना किया? ये तो हो गया इसके लिए पेबल, ठीक है। ये 72 क्या है? इसका आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स है और ये पेबल होगा ना, ठीक है। सेल पे जो चार्ज हो रहा है वो आउटपुट कहलाएगा, ये तो हो गया पेबल। अपने परचेज करते वक्त पे कितना किया था? तो ये हो गया इनपुट टैक्स रिकवरेबल। अब ये रिटेलर क्या करेगा, 72 में से 48 माइनस करेगा, रिकवर कर लेगा अपना टैक्स, और डिफरेंस जो निकला 42 का वो गवर्नमेंट को पे कर दे बस, ठीक है। पहला स्टेप, रिटेलर ने कस्टमर को टैक्स टीवी सेल करते हुए टैक्स चार्ज कितना किया? 72 आ गए। खरीदते वक्त पे कितना किया था? 48। अब ये 48 आपको रिकवर होना चाहिए ना, क्योंकि ये रिकवर नहीं हुआ तो ये आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो अब रिकवर कैसे होगा 72 में? 72 में से आप क्या करेंगे, 48 माइनस कर लेंगे, रख लेंगे अपने पास, बाकी एक्सेस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर। तो जो आपने पे किया वो रिकवर हो गया और एक्सेस अमाउंट आपने जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा दिया, ठीक है। अच्छा गवर्नमेंट के पास कितने आ गए? 24 आ गए, ऊपर आएंगे। होलसेलर ने सेल करते वक्त टैक्स चार्ज कितना किया था? 48 का, ये हो गया आउटपुट टैक्स पेबल। खरीदते वक्त पे कितना किया? ये हुआ इनपुट टैक्स रिकवरेबल। अभी क्या करेगा, 48 में से 30 रिकवर कर देगा, माइनस करेगा और एक्सेस अमाउंट 18 गवर्नमेंट को पे कर देगा। चले जी, गवर्नमेंट के अकाउंट में 18 और आ गए, ठीक है। 24 प्लस 18 ऊपर आए। अब ये होलसेलर ने सेल करते वक्त चार्ज कितना किया? ये हो गया आउटपुट टैक्स पेबल। खरीदते वक्त पे कितना किया था? तो ये हुआ इनपुट टैक्स रिकवरेबल। अब ये 30 में से 6 रिकवर कर लेगा और एक्सेस अमाउंट 24 गवर्नमेंट को पे कर दे। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में 24 और आ गए, ऊपर आए। वो उसमें माइनस रॉ मटेरियल वाले पे इसने सेल करते वक्त चार्ज कितना किया? खरीदते वक्त पे कितना किया? इसके पीछे कोई है नहीं खरीदा का, उसके पीछे कोई है नहीं, तो उसने कुछ भी पे नहीं किया। तो ये रिकवर क्या करेगा? कुछ भी रिकवर नहीं करेगा, जीरो। तो ये 6 के 6 गवर्नमेंट को पे कर दे, ठीक है। अब इन चारों को ऐड करते हैं, 24 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 6, एग्जैक्ट 72 बन रहा है। तो जो टैक्स कस्टमर ने पे किया उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को मिला। तो कस्टमर का एक्सपेंस हो गया, गवर्नमेंट की इनकम हो गई, बाकी इनके अकाउंट खत्म हो गए, जीरो हो गए। प्राइस बढ़ गए, टैक्स नहीं बढ़े,
तो प्रॉफिट टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट की वजह से सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, टैक्स खुद बहुत इंक्रीज होता जा रहा है जी। अब ये जो टैक्स की कैलकुलेशन हमने की, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इसको अब एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख ले, इसको अब एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लें कैलकुलेशन को, कि सेल्स टैक्स पेबल और रिकवरेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो आपके पास टैक्स पेबल या रिफंडेबल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये हम यूज करेंगे, इसको कॉपी कर लें। अच्छा, अब ये तो फॉर्मूला हो गया टैक्स कैलकुलेट करने का, ठीक है, यानी कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। तो इसमें देखिए लिखा हुआ क्या, सेल्स टैक्स पेबल, ये तो समझ आता है, पेबल का मतलब जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में यानी कि नेगेटिव में रिकवरेबल और रिफंडेबल, यानी कि इस फॉर्मूले का आंसर अगर पॉजिटिव हुआ तो टैक्स पेबल होगा, गवर्नमेंट को पे करना है, और अगर माइनस में आंसर आया तो रिकवरेबल या रिफंडेबल। क्या मतलब अब हमने अभी ज्यादा कर दिया, चार्ज कम किया। देखिए अगर आपका आउटपुट टैक्स ज्यादा हो, नॉर्मली ज्यादा होता है, इनपुट टैक्स कम होता है ना, क्योंकि परचेज प्राइस कम होते हैं, सेलिंग प्राइस ज्यादा होते हैं। तो एग्जाम्पल जो भी हमने डिस्कस की इसमें यही था कि हर एक में आपका आउटपुट ज्यादा था, इनपुट कम था। अच्छा देखिए, आउटपुट टैक्स नॉर्मली ज्यादा होता है, इनपुट टैक्स कम होता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, परचेज प्राइस कम होती है। तो आंसर जो आएगा नॉर्मली पॉजिटिव ही होगा, पेबल। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी जो परचेज है वो सेल से कम भी हो सकती है ना, हो सकता है किसी मंथ में आपकी सेल कम रही हो, परचेज आपने ज्यादा की हो, ऐसा भी होता है। कभी जैसे आप बीमार हो गए, बस दुकान बंद रही आपकी, या कोई स्ट्राइक्स वगैरह हो गई, सेल आपकी कम रही, किसी भी वजह से आपकी सेल कम हुई, परचेज आपने ज्यादा की, तो अब क्या होगा, आपका आउटपुट टैक्स ज्यादा होगा, इनपुट टैक्स कम हो जाएगा, जो आपने पे किया होगा वो फुली रिकवर नहीं होगा ना। अब अगर आउटपुट ज्यादा है, इनपुट आउटपुट कम है, इनपुट कम ज्यादा है, परचेज ज्यादा की आपने, सेल कम की, जो आपका इनपुट टैक्स है वो फुली रिकवर नहीं होगा, कुछ अमाउंट और रह जाएगा, तो वो फिर हम क्या करेंगे, वो क्या रहेगा, रिकवरेबल, और फिर वो नेक्स्ट मंथ में रिकवर हो जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट मंथ में उसको, फिर रिकवर कर। तो इस तरह ही सिलसिला चलता है, ठीक, राइट। तो पॉजिटिव आंसर होगा पेबल, नेगेटिव होगा तो रिकवरेबल, राइट। और उसको रिकवर कैसे करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, परचेज हमारी कम रखेंगे, सेल ज्यादा होगी, तो वो नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। अच्छा, और अगर रिकवर ना हो, तब भी ना हो, बाद में भी ना हो, 3 महीने बाद, 4 महीने, तो फिर गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे, फिर वो गवर्नमेंट हमें रिफंड करती है, ठीक है, नहीं बिल्कुल करती है, और उसमें गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि परचेज के टाइम पर हमने पे किया होता है ना, परचेज के टाइम पर पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, वही गवर्नमेंट हमें वापस कर देती है, तो गवर्नमेंट का कोई लॉस नहीं होता। और एक केस और होता है, एक सिचुएशन है जिसमें आपका आंसर हमेशा रिफंडेबल आएगा, पेबल कभी आएगा ही, फिर क्या करेंगे, हाँ इसकी एक एग्जांपल आपको दी, जिसमें हमेशा आपका जो टैक्स है वो रिफंडेबल रिकवरेबल होगा, पेबल कभी भी नहीं आएगा। अब वो होता है एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्टर, अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो आपका जो आंसर आएगा हमेशा वो रिकवरेबल रिफंडेबल होगा, कभी भी पेबल नहीं आएगा। ऐसा क्यों, इसकी क्या रीजन है, लेकिन जो एक रूल है हमारा, सेल्स टैक्स का एक रूल है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, एक्सपोर्ट्स पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब आप एक एक्सपोर्टर, ठीक, आपने लोकल मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज की, परचेज करते हुए आप टैक्स पे करेंगे, इनपुट टैक्स, फिर वही गुड्स आपने पैक करके एक्सपोर्ट कर दी, अब एक्सपोर्ट के टाइम पर आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट टैक्स कितना होगा, जीरो, आउटपुट जीरो हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस में, माइनस का मतलब रिफंडेबल, और हमेशा यही होगा,
क्योंकि आप हमेशा गुड्स बाय करेंगे एक्सपोर्ट कर देंगे, बाय करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, तो कभी भी आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, तो आउटपुट हमेशा आपका जीरो रहेगा, तो आंसर रिफंडेबल होगा। तो अब ये रिफंड कौन करेगा? फिर आप गवर्नमेंट से रिफंड लेते हैं उसका, फिर हाँ आप क्लेम करेंगे, गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी। अच्छा क्या नहीं है, आपने एक मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदी, टैक्स पे कर दिया, तो आपने पैक किया और एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करते हुए टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब आपका आउटपुट टैक्स कितना होगा? जीरो, इनपुट कुछ होगा, तो माइनस में आंसर रहेगा, ये हो गया रिफंडेबल। अब ये रिफंड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। फिर आप गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे, गवर्नमेंट आपको आपके पैसे वापस करेगी, ठीक है। अच्छा जब गवर्नमेंट रिफंड करेगी तो गवर्नमेंट का लॉस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमने पे किया मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर पे करेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमें वही टैक्स वापस कर देगी, रिफंड कर देगी। तो हमारा ही पे किया हुआ टैक्स घूम फिर के हमारे पास वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा, तो उसमें फायदा नुकसान किसी को भी नहीं, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, रिटेलर है, होलसेलर है, बिल नहीं हुआ, खराब हुआ, तो इनपुट ज्यादा होगा आउटपुट का, तो ये आंसर आपका रिफंडेबल होगा। अगले महीने रिकवर करेंगे, अगले महीने भी नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ में करेंगे, फिर भी नहीं हुआ फिर करेंगे, नहीं हुआ तो एंड में फ्री होगा, गवर्नमेंट से रिफंड। नहीं वो तो बेचेंगे बाद में, जब बिकेंगे तो फिर क्लेम कर लिया, रिफंड रिफंड हो गया, रिफंड होने के बाद वो गोल्ड आपके सेल हो गई महीने दो महीने बाद, फिर आप गवर्नमेंट को पे कर दें वापसी में, फिर आपका उस वक्त क्या होगा, इनपुट जीरो हो जाएगा, सेल करेंगे माल आउटपुट बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट दे देंगे, एडजस्ट हो जाएगा, फायदा नुकसान किसी का भी होता। ओके।